नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। दोस्तों एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपर स्टारों में से एक सुपर स्टार रणवीर कपूर, इनकी साल 2023 के वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म एनिमल के बारे में, जो कि लगभग दो दिनों के इंतजार के बाद बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा के डायरेक्शन में बनाई गई फिल्म एनिमल को 1 दिसंबर 2023 के दिन इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाएगा और हिंदी के साथ साथ बाकी सभी भाषाओं में फिल्म का काफी जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है और सभी भाषाओं में फिल्म का काफी धमाकेदार तरीके से प्रमोशन भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह फिल्म अपने पहले दिन काफी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग करने वाली है। साथ ही यह फिल्म एडवांस बुकिंग में अपने 3 दिन पूरे कर चुकी है। राजेश फिल्म के एडवांस बुकिंग का 4th दिन और यह फिल्म शुरुआती 3 ही दिनों में काफी ताबड़तोड़ एडवांस बुकिंग कर चुकी है। दोस्तों फिल्म ने अपने पहले दिन के लिए अभी तक इंडिया से लगभग 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है। वहीं ओवरसीज से भी ये फिल्म अपने पहले दिन के लिए लगभग 9 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर चुकी है, जिसे टोटल किया जाए तो फिल्म ने अपने पहले दिन के लिए अभी तक लगभग 19 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है। साथ ही फिल्म का बुक माई शो पर भी काफी अच्छा क्रेज देखा जा रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि तेलुगु भाषा से ये फिल्म अभी तक लगभग 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर चुकी है और सभी भाषाओं को मिलाकर ये फिल्म अभी तक सिर्फ इंडिया से लगभग 3 लाख से ज्यादा टिकट बेच चुकी, जो कि अपने आप में काफी बड़ा रिकॉर्ड है। अगर बात करें फिल्म का बुक माई शो इंटरेस्ट के बारे में, तो फिल्म को बुक माई शो पर अभी तक लगभग 3,23,800 इंटरेस्ट मिल चुके हैं, जो कि अपने आप में काफी बड़ा रिकॉर्ड है और काफी जल्दी ये इंटरेस्ट 5 लाख के पार पहुंचने वाले हैं। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म अपने पहले दिन लगभग 70 से 80 करोड़ तक की कमाई इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से कर सकती है और सुपरस्टार रणवीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म भी बन सकती है। तो आप सभी फिल्म एनिमल को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।